दिसंबर 1704 मुगल बादशाह औरंगजेब जबरन लोगों को अपना धर्म छोड़ने के लिए यातनाएं दे रहा था। औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ जब दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शस्त्र उठाए तो औरंगजेब की सेना ने गुरु जी के घर पंजाब के आनंदगढ़ किले पर हमला कर दिया। फिर सरसा नदी के किनारे मुगलों और गुरु जी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जहां छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा दादी माता गुजरी दल से बिछड़ गए। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर में 10 लाख मुगल फौजों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। उधर सरहिंद के नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादों और माता गुजरी को एक ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। छोटे साहिबजादों का धर्म बदलने के लिए वजीर खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। साहिबजादों को डराया, धमकाया गया, अनेक लालच दिए गए। जब छोटे साहिबजादे नहीं माने तो उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा देने का फरमान जारी हुआ। इसके बावजूद भी श्री गुरु गोविंद सिंह के लाल छोटे साहिबजादे बिल्कुल नहीं घबराए। इन साहिबजादों ने मरना स्वीकार किया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। साहिबजादों के इस भुला दिए गए बलिदान को देश के सामने लाने के लिए और देश के बच्चों को प्रेरणा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की। साल 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। हमारे साहिबजादों का जीवन, उनका जीवनी संदेश देश के हर बच्चे तक पहुंचे, वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने, हमें इसके लिए भी प्रयास करने हैं। मुझे विश्वास है हमारे एकजुट प्रयास समर्थ और विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को नई ऊर्जा देंगे। हम जान देके औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं, सरों पर उठा चले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिख विरासत को संवारने के लिए करतारपुर कॉरिडोर, हरमंदिर साहिब में FCR की सुविधा, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट, 84 दंगा पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए नई SIT, 80 के दशक में बनी सिखों की ब्लैक लिस्ट निरस्त और अफगानिस्तान में फंसे गुरु ग्रंथ साहिब व सेवादारों को एयरफोर्स के विशिष्ट विमान से लाने जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। आइए प्रण लें, जब भी देश पर कोई आपदा आएगी तो हम अपने कर्म से हमेशा भारत को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, चाहे हम देश के किसी भी कोने में हों। छोटे साहिबजादों से प्रेरणा लेते हुए वीरता से अपना कर्तव्य निभाएंगे, नए भारत को विकसित भारत बनाएंगे। जय हिंद।